अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजिया। गुजिया के लिए हमने लिया ये मैदा 500 ग्राम है और इसमें डालेंगे 4 चम्मच घी मेल्ट हुआ, और इसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसे मल मल के इसको अच्छे से मिला लेंगे मैदे में घी। ये देखिए मैदे में घी मिल गया है, ये बन रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इसका डो जो है टाइट बनाना है, ढीला नहीं बनाना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाना है। तरीके से ये देखिए सेम डो बना लेंगे इसका, बहुत ही थोड़े पानी में डाल के सख्त डो इसका बनना है। इस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे 2 मिनट अच्छे से मसल मसल कर। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को, जब तक हम गुजिया की फिलिंग बना लेंगे। ये देखिए कढ़ाई हमने रख ली है, इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स अपने तल लेंगे। ये हमने काजू लिए हैं, बादाम, इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसी में डाल देंगे थोड़ी सी गरी, ये है 1 कप गरी, इसमें डाल देंगे गरी का बुरादा। इसको चला लेंगे धीमे धीमे, स्लो फ्लेम पर इसको जो है भून लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे अब किशमिश भी, रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए रोस्ट हो चुका है हल्का सा। अब हम इसमें डाल देंगे मावा, खोया, ये हमने 250 ग्राम खोया लिया है, ये हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए खोया भी थोड़ा रोस्ट हो गया है, गर्म हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप शक्कर पिसी हुई, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे 1/2 चम्मच ये इलायची का पाउडर है, ये डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप रवा भुना हुआ, ये जो हमने रोस्ट करके पहले से ही रख लिया था, इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। ये सब लो फ्लेम पर हम कर रहे हैं, एकदम लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम ना करें। और अब गैस ऑफ कर देंगे, बस इसकी गर्मी में ही रवा इसमें पक जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये मैदा हमारा, डो हमारा ये सॉफ्ट हो गया है थोड़ा। अब इसकी हम लोई बना लेंगे छोटी छोटी, पहले इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसको लंबा लंबा करके इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ऐसा लोई बना के रख लेंगे। ये देखिए हमने लोई ले लिए, अब इसको हम बेल लेंगे। इसमें कुछ भी मैदा या तेल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बेल जाएगी। इसको उठा उठा के ऐसे बेलना है इवनली हर तरफ से। आज 2 ट्रिक होती है, ये देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है ये हम ऊपर रखेंगे और ऊपर वाला नीचे रखेंगे। अब चारों तरफ हम गुजिया के किनारों पर पानी लगा लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए हमारी गुजिया। और इसमें फिलिंग भरेंगे, इसको कस के दबा देंगे। और ये एक्स्ट्रा निकाल देंगे, देखिए मेरी परफेक्ट गुजिया तैयार है। अब हम इसको इसमें रखेंगे, चारों तरफ से इसमें पानी लगाएंगे और इसमें भरेंगे फिलिंग, इसको कस के दबा देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अपनी सारी गुजियाँ तैयार कर लेंगे।
देखिए ऑयल हमने रख दिया है कढ़ाई में, और ये मीडियम इस फ्लेम पर जो है गरम हो रहा है। इसको एकदम लो फ्लेम पर ही हमें सारी गुजियाँ तलनी हैं। इसकी एक ख़ास ट्रिक है, लो फ्लेम पर सारी गुजियाँ तलनी हैं, हाई फ्लेम पर नहीं, वरना जल जाएंगी गुजियाँ और अंदर तक पकेंगी नहीं हमारी गुजिया। इस तरीके से एक तरफ से तल जाएंगी, तो फिर हम इसको पलट लेंगे, दूसरी तरफ से तल लेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए एक तरफ से तल गई हैं, अब इसको हम पलट लेंगे और फ्लेम जो है मीडियम टू लो रहेगी, इसी में ही तलेंगे वरना अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए पलट ली सारी हमने, अब इसको भी इधर से तल लेंगे। देखिए गुजिया दोनों तरफ से तल गई है। इसको तलने में लगभग हमें 15 मिनट लगे हैं। अब इस बैच को हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच इसमें डालेंगे। ये देखिए हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है, अब इसको भी वैसा ही तल लेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी क्रिस्पी क्रंची गुजिया तैयार है, मावा वाली। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।